कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन संगठन प्रमुख राकेश टिकैत पहुंचे। कानपुर देहात भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार पर जमकर बरसे राकेश टिकैत। सरकार झूठ बोलती है, किसानों की समस्याओं पर बात करने को तैयार नहीं है। किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, रसूलाबाद स्थित सर्किट हाउस में आयोजित किया गया कार्यक्रम। तो चिंताजनक ही बता रहे, लेकिन उनको लेगा कौन गया? सवाल तो है कि लेकर कौन गया उनको? हमारी इंटेलिजेंस ये सब फेल हुई है, उनको लेकर गया है जी। जांच तो उसकी भी हो जानी चाहिए ना कि कौन उनको लेकर गया। अगर वे मुस्लिम हुए होते तो अब लोग को बहुत ही लोग को घर बार उनके सब टूट जाते रिश्तेदारों के, उनको लेकर कौन गया उसका भी बता दो। सर 120 बी का मुलजिम तो वो भी है ना जो लेकर गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ क्या आप भी अपनी वोट दे देंगे? हम तो जिसको देनी हो। अब देश को अगर इन्होंने बांट दिया, पॉलिटिकल लोगों ने देश को बांट दिया, उसके नाम को बांट दिया, तो जनता क्या कर सके? आने वाली 22 जनवरी को क्या आप भी अयोध्या जाएंगे? नोता का तो जरूर जाएंगे, लेकिन नोता भेज जाएंगे। हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, हमारा जन्म परिवार का वहीं हुआ, वहां से ही हमारा निकास है। 1700 कुछ में परिवार के लोग वहां पे गए थे, उसके बाद में भी वहां पे गए। जब कोई फंक्शन वहां होता था तो अयोध्या में बुलाते थे परिवार के लोगों को, लेकिन अब अगर सरकारी प्रोग्राम होगा तो हमको नहीं बुलाएंगे। सर रसूलाबाद की एक समस्या है, इटाली झील है, बहुत जगह में फैली हुई है, उसमें दबंगों का कब्जा है। सर दबंगों का कब्जा है, हटना चाहिए, सरकार का वो रहना चाहिए। उसमें जो मछली पालन का उसका जो काम है उसको सरकार नियंत्रण में ले, और जो अवैध वहाँ पे शिकार हो रहा है उस पर बैन लगे। सर पराली जलाएंगे नाम पर सरकार ने किसानों से ठगी की है, ठगी की है। पराली दिल्ली के और लखनऊ के कागजों में पोल्यूशन किसान के नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो कागज है वो सफेद है, उसमें किसान लिख दिया आप पोल्यूशन के नाम पे, लेकिन किसान है नहीं सर, दूसरे और लोग हैं। पराली की तो सैटेलाइट से देखा जा रहा है, लेकिन जो किसानों के जो फसलों में आवारा जानवर घुस रहे हैं, सरकार इसका क्यों कदम नहीं उठा रही? क्या कहेंगे? देखो क्या राय है कि सरकार ये चाहती है कि किसान जमीन से तंग हो जाए और वो जमीन को बेच कर जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।